सर आपने फोन नीचे गया, आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? आप लोगों की बदतमीजी से मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ। आप बात It is the prerogative of the chairman. The deputy chairman came after I took the seat. इसलिए ये आपका इतराज नहीं बेटा, आप बात कीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहबा। आप उन्हें बात करने दें, आपकी पार्टी के हैं, उन्हें बात करने दें। अपने पार्टी के लोगों को, आप अपनी पार्टी के बंदे को बात करने दें, अपने आप एक दूसरे को बात नहीं करने देते। आप बात कीजिए जी, आप प्लीज अपनी पार्टी के लोगों को बात नहीं करने दे रहे। आपस में तय कर लें किससे बात करनी है, आपस में तय कीजिए, आपस में तय कीजिए। जी जी बताएं जी। शिबली फराज साहब, आपका लगता नहीं है आप चेयरमैन, आप डिप्टी चेयरमैन साहब को आपने भिजवा दिया? हाँ हाँ मैंने कहा है जी। ये देखें इस हाउस को आप मजाक न बनाएं, एक दूसरे को बात नहीं देंगे, हाउस को मजाक नहीं बनाएं, इसकी जो सेंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया। सॉरी ही वाज सिटिंग हियर, वेल ही वाज सिटिंग हियर, ही वाज सिटिंग हियर, ही वाज नॉट, ही वाज सिटिंग हियर। आप जरा अपनी फोन नीचे दें, आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? ये कैसी बात कर रही हैं? आप निकाल लें, आप बात कीजिए। नहीं आप बात कीजिए दोस्त साहब। The chairman senate also has a prerogative. The chairman senate's prerogative is he also has a prerogative. Unka prerogative stand karta hai. ठीक है, उन्होंने दिया है चेयर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब आए। कानून बताया है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे जी। बात कीजिए, एनीवन एल्स फॉर अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी, बात कीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग शोर मचाएं जी, बात कीजिए जी, बात कीजिए। इनको इनको माइक दें, खुमरा साहब को माइक दीजिए, माइक दीजिए जी उनको। राणा साहब तो जो राणा साहब माइक दीजिए उनको जी, बात जी। आई चूज टू इग्नोर यू। आपके जमाने में कितने होते थे सिवाय, आपके जमाने में अली मोहम्मद के अलावा कितने होते थे? राणा महमूदुल हसन को दें माइक, दें राणा महमूदुल हसन को माइक दीजिए प्लीज, राणा महमूदुल हसन को माइक दीजिए। सेक्रेटरी साहब राणा महमूदुल हसन को माइक दें। माइक तो ऑन है लेकिन मेरे मौजूद मेहमान बैठेंगे तो मैं बात करूंगा। राणा साहब को माइक दें। नहीं राणा साहब के साथ बात करें, अब बात जी। फारूक नाइक साहब, हाँ नाइक साहब को दीजिए फोन। इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। नाइक साहब को माइक दीजिए जी, बात कीजिए। रूल सुन ले, रूल सुन ले। नहीं ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके जी। नाइक साहब बात कीजिए, ये गुंडागर्दी अब कम करें जी। नाइक साहब देखिए जी, नाइक साहब इजाजत जी। नाइक साहब चेयरपर्सन, नाइक साहब आप जी, ठीक है हमको इतराज नहीं, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बात कीजिए, ठीक है नाइक साहब बोलिए। बात यह है कि देखें जी, बोलिए एक मिनट जी, बोलिए वॉयलेशन, बोलिए कौन से रूल की वॉयलेशन हुई है? देखें बात सुने, बात सुने, नहीं वो नहीं सुनी, देखिए आप बोलिए। ठीक है ठीक है, नाइक साहब बात करें, बात चाहिए जी, बोलिए प्लीज अलाउ हिम टू टॉक जी, आप बात कीजिए। नाइक साहब आप बोलिए, गुंडा करती बार बार नहीं चलती। कौन से जी जो चेयरमैन सेनेट ने इस हाउस को चेयरमैन के वो किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोल सकता है कि ये आप सेशन को प्रिजाइड करें, और आप जिसे प्रिजाइड कर रही है देयर विद इन द रूल्स ऑफ सेनेट रूल्स, देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी रूल, देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी रूल। सिर्फ मकसद डिसरप्शन है, मकसद डिसरप्शन है, टैक्सपेयर्स के पैसों पे हम बैठे हैं, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे जी। बताइए जी, इनकी गुंडागर्दी में आके ज्वाइन क्यों करें? अगर किसी ने बात करनी है बोथ साइड्स,
रहता है। 200 धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे, कोई रूल वायलेट। आप 200 धांधली से मुझे ना हाउस से ज्वाइन करने पे मजबूर कर सकते हैं, ना जिस रूल पे आप लोग आके बैठे थे 4 साल। हाँ ये आप अपनी छोड़ दें, ये हरकतें छोड़ दें। मैं जिस रूल के तहत बैठी हूँ मैं बैठी हूँ। आप लोगों की बदतमीजी से मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आऊंगी। आप बताइए आप किसका, आप हाउस को डिसरप्ट क्यों कर रहे हैं? जब तक हम यहाँ टैक्स पेयर्स के पैसे पे बैठे हम अपना वक्त पूरा करेंगे। आप लोग बेशक एहतजाज करें। मौलाना अताउर रहमान साहब को माइक दीजिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मोहतरमा, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी हमारे सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन साहब ने चूंकि रूल्स के मुताबिक अपने पैनल का ऐलान किया है और वो किसी को भी बुला सकते हैं, तो मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पैनल जो है ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बाद शुरू होता है, न कि ये डिप्टी चेयरमैन मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में आप पैनल के किसी आदमी को ले आए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करें डिप्टी चेयरमैन को बुलाएं, वो इस सीट पर बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना इस रवैये के खिलाफ हम वॉकआउट करेंगे। इनके हाउस स्टैंड्स अडजॉइंट टू मीट अगेन ऑन मंडे द 10th जून 2024 एट 5 PM। शुक्रिया। देखिए आज होती है कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, इतना मौजूद होता है, इतना बड़ा होता है पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे तो हराम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसको बिठा दिए लोगों ने? बड़े शंगारों को जिसको भागने की तमीज़ भी नहीं है। अभी खुद ही करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे पे हम बैठे हैं तो हम बात करेंगे, बात तो कर नहीं रहे। अवाम की बात करने के लिए वहाँ बैठते हो ना, वहाँ पे बैठे हमने तमाशे, अपनी जिदबाजी, अपने यशम रात और अपने सोचते हो बस। अवाम का कभी कोई बात नहीं की ना सोचा कभी, तो आप लोग बिल्कुल काम ठीक नहीं कर रहे। अवाम के टैक्स के पैसे को आप हराम कर रहे हो, वो हलाक ना चाहिए। अवाम के टैक्स का पैसा कितना मुश्किल से वो जोड़ते हैं मजदूर मजदूरी के साथ और यहाँ पे जाया कर जा रहे हैं। अभी शिवली फराज ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो बातें बिल्कुल ठीक करके हैं। क्या इसको रूल और रेगुलेशन यहाँ पे है नहीं पहले तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पे सर कानून तो पूरे मुल्क में नहीं चल रहा, तो असम्बली में क्या चलेगा, वहाँ पे क्या रूल चलेगा जब पूरे मुल्क में रूल नहीं है? यहाँ पे तो रूल को ऐसे खा रहे हैं लोग जैसे कोई पिज्ज़ा खाते हैं। तो नाजरीन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निशान घंटे के दबाते तक आने वाली वीडियो को मिल सके और दुआ करें मेरे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह के आप सब लोग खुश हो, लंबे दिन जो अल्लाह हाफिज़।